दिल्ली पुलिस की जांच का नतीजा कब निकलेगा यह खुद दिल्ली पुलिस को भी नहीं पता है, लेकिन पूरा देश सन्न है, सन्न इस बात को लेकर कि दो दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उन नकाबपोशों के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। इन सब के बीच जेएनयू कैंपस के भीतर जो कुछ भी घटा था उस पर प्रो कुलपति की ओर से बयान आया है कि दरअसल ये एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक थी। उनके इस बयान के बाद अध्यापक और छात्रों को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। कोई नहीं भूल सकता इस दहशत को, जिसने भी इन चीखों को सुना है। काले कपड़े लपेटे कायरों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को खून से लथपथ कर दिया। जेएनयू की दीवारों ने ऐसी बर्बरता कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों हथियार बंद आतंकवादियों ने एक साथ हमला बोल दिया। इस बर्बर हमले को जेएनयू के प्रो वाइस चांसलर सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। चुन चुन कर मारना, बदला लेना, सबक सिखाना। The JNU administration once came to know that such a surgical strike, kind of invasive attack has taken place on the students and the teachers. We took immediate action. We called the police not once, many times. JNU के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी की नजरों में अपनी ही छात्राओं की चीखें, अपने ही छात्रों की टूटी हुई हड्डियां, अपने ही अध्यापकों का बहता हुआ खून सर्जिकल स्ट्राइक का नतीजा है। कोया प्रो वीसी के लिए जेएनयू इसी मुल्क के अंदर बसा हुआ एक पाकिस्तान। कानून नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार कानून तोड़ के कोई कुछ करता है तो उसके बाद एनार्की हो जाता है, लॉलेसनेस हो जाता है, सबका नुकसान होता है। और जब यह शर्मनाक सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा था तो जेएनयू के यही प्रो वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, चीफ प्रॉक्टर और रजिस्ट्रार मस्त रजाई तानकर सो रहे थे। We have tried a lot of times before also to set up a dialogue with Vice Chancellor, and it is quite unfortunate that Vice Chancellor is not at all ready for a dialogue. इस बर्बर हमले के वक्त हिफाजत के नाम पर तैनात किए गए निजी कंपनियों के दर्जनों संतरी इसे रामराज की नई अवधारणा का आगमन समझकर विलुप्त हो गए थे। न किसी ने रोका, न किसी ने टोका। दो तीन बजे के करीब आप इस हॉस्टल एरिया में उन लोगों ने लकड़ी से और पथराव शुरू किया। वहाँ पे इमीडिएट फर्स्ट राउंड ऑफ वायलेंस में तीन लोगों को हेड इंजरीज होती है। मैं उन्हें ट्रॉमा सेंटर लेके गई और जब तक हम लोग उनको पूरा उनका प्रोसीजर करा के वापस आने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि और वायलेंस होना शुरू हुआ है, क्योंकि बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं, बाहर से लोग बुलाए जाते हैं, गेट सील कर दिया जाता है। साबरमती और पेरियार हॉस्टल की दीवारें आतंक परस्तों की दरिंदगी देखकर कांप उठी थी। लड़कियां जो मेस में खाना खा रही थी उन्हें लहूलुहान कर दिया। लड़के जो लाइब्रेरी के लिए निकले उनके हाथ पैर तोड़ दिए। जिन कमरों में लड़के भागकर छिपे उनकी कुंडियां तोड़कर पीटा गया। शायद ही 50 साल में पहली बार जेएनयू के कैंपस के अंदर ये हुआ कि आरएसएस के गुंडों के भेजकर एबीवीपी के साथ जो आरएसएस अफिलिएटेड प्रोफेसर्स हमारे कैंपस के अंदर है मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक स्टूडेंट्स के ऊपर करवाए हैं। मुट्ठी भर डरपोक, लिज लिजे और बुजदिल दरिंदों ने बहादुरी के नाम पर अपनी आतंकी बेहयाई की पताकाएं लहरा दी थी और उनकी बर्बरता के सामने किसी व्यवस्था, किसी कानून, किसी इंतजाम, किसी सदाचार का कोई मतलब नहीं। जिसने भी सुना वही जेएनयू पहुंच गया लिहाफ फेंक कर। टी राजा, सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, यहाँ तक कि मनोज तिवारी और मीनाक्षी लेखी तक छात्रों से मिलने, लेकिन वाइस चांसलर साहब की नींद नहीं टूटी तो नहीं टूटी। लग ही नहीं रहा था कि कोई टीचर का, शिक्षक का कोई गुणवत्ता उसके अंदर दिख रहा है। वो कैसे छात्रों को मारने के लिए SS2, SL2 सब वहाँ लॉन में दौड़ रहे थे। अगर मैं मान भी लूँ प्रशासन ने जो कहा कि कुछ लोग बाहर से रिवेंज लेने के लिए आए थे, तो सवाल है कि क्या जेएनयू प्रशासन जो रिवेंज लेने को आते हैं, चाहे वो अंदर के हों या बाहर के हों, उनको आज सपोर्ट और एड करेगा? जब जेएनयू की दीवारें छात्र छात्राओं की चीखों से हिल रही थी तो दिल्ली पुलिस के सुरमा भी मस्त तान कर सोए हुए थे। आरोप है कि 100 नंबर पर की गई तमाम कॉलों को उसने अनसुना कर दिया और वो तब तक नहीं हिली जब तक नकाबपोश दहशतगर्द
सुरक्षित स्थानों तक नहीं पहुंच गए। जो भी हिंसक हमला हुआ जेएनयू के ऊपर, ये स्वीकार नहीं है। इस तरीके की हिंसा और नफरत फैलाकर अगर आप समझते हो वाइस चांसलर साहब कि यहाँ की छात्र और अध्यापकों को दबा के रख सके, उसका उल्टा होगा असर। अब प्रो वाइस चांसलर कह रहे हैं कि जो हुआ वो सर्जिकल स्ट्राइक था। वीसी कह रहे हैं कि पुलिस कैंपस में ही डटी रहे। वो अड़े हुए हैं कि छात्रों से नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। पढ़ाई लिखाई हो ना हो, लेकिन पुलिस को लगना चाहिए कि वो काम पर है। You see, the police officials did visit our campus and we are providing all the necessary help to them. JNU को जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई। पुलिस को डर है कि छात्र सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन फिर भी मोर्चा निकला। छात्र, पूर्व छात्र और अध्यापकों ने साथ मिलकर मार्च निकाला और कहा इस अंधेरे से मिलकर लड़ा जाएगा। अब एक तरफ JNU के छात्र हैं, छात्रों में भी दो गुट, वामपंथी और दक्षिणपंथी। दूसरी तरफ JNU प्रशासन है जो छात्रों से बात करने तक को राजी नहीं है। तीसरी तरफ JNU शिक्षक संघ है जो हर कदम पर छात्रों के साथ है। चौथी तरफ पुलिस है जिसे हमलावरों की साफ ही हवा नहीं है। और पांचवी तरफ सियासत है जिसका एक हिस्सा हमलावरों के साथ सहानुभूति रखता है तो दूसरा इसे भारतीय लोकतंत्र के विचार पर आघात बताता है। इन पांच कोणों के बीच JNU अपनी पहचान के लिए हर पल संघर्ष कर रहा है। आज तक ब्यूरो।